हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। किरण बेकिंग एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार का फेमस सत्तू पराठा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगा आप लोग को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सत्तू पराठा। सत्तू पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बड़े बाउल में एक कटोरी सत्तू ले लेंगे और इसमें आधा बारीक कटा हुआ प्याज, 5 से 6 लहसुन एकदम बारीक काट लिए हैं, एक हरी मिर्ची इसको भी एकदम बारीक काट लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है इसको भी एकदम बारीक काट लिए हैं, ये धनिया पत्ता, आधा नींबू का रस, ये अजवाइन है 1/2 चम्मच, इसको इस तरह हथेलियों में ले करके इस तरह मसल करके उसके बाद ही डालें अजवाइन। सत्तू पराठा हैवी होता है फ्रेंड्स, जिसको कि डाइजेस्ट करने के लिए अजवाइन बहुत ज़रूरी होता है डालना। और ये कलौंजी है, 1/2 चम्मच नमक, और ये अचार वाला सरसों का तेल, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स सत्तू पराठा में। अगर आपके पास नहीं है तो आप सरसों का तेल भी दे सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अचार भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है सत्तू पराठा में। हम लोग सत्तू को हाथ से ही मिक्स करेंगे पहले फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जितना पानी लगेगा उसके बाद ही डालेंगे। सत्तू को ज़्यादा गीला नहीं करना है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा हाथ में पानी ले करके इस तरह छिट्टा मारना है, बस एकदम पूरी तरह इसको गीला नहीं करना है। ये देखिए सत्तू पराठा का स्टफिंग बन के एकदम तैयार है, ऐसे ही रहना चाहिए फ्रेंड। अब आइए हम लोग आटा तैयार कर लेते हैं। एक बड़े बर्तन में आटा ले लेंगे, 2 कप आटा, आटे में नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच और 2 चम्मच तेल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे। सत्तू पराठा के लिए ऐसा डो बनना चाहिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइट भी नहीं और एकदम गीला भी नहीं। ये देखिए, अब आटे को 5 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे। इसको इस तरह राउंड करके आटे में थोड़ा डिप कर देंगे, इस तरह दोनों अंगूठों से दबा दबा के इस तरह एक कटोरी जैसा बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से कटोरी बन गया है। और अब ये सत्तू को स्टफ़ कर देते हैं। हम लोग ज़्यादा इसमें स्टफ़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो फिर रोटी फट जाएगा। इसको थोड़ा इस तरह दबा देंगे अच्छे से और फिर इस तरह राउंड राउंड घुमा के इस तरह बना लेंगे और पूरा ऊपर तक घुमाते घुमाते पैक कर देना है। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया। अभी एक्स्ट्रा जो आटा था उसको निकाल दिए। अब ये देखिए, अब इसको बेल लेते हैं, फिर इसको आटे में डिप कर देंगे। हम लोग सत्तू पराठा को ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे फ्रेंड, थोड़ा मोटा ही रहता है वो, तभी लगता है।
ये देखिए बन गया सत्तू पराठा। अब आइए सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको सत्तू पराठा की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गैस पे तवा गरम होने के लिए रख दिए हैं फ्रेंड्स। तवा हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब इस पर रोटी डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लोग मीडियम पे ही रखेंगे। अब ये रोटी को हम लोग पलट देंगे दूसरे साइड। इसके ऊपर से तेल लगा देंगे दूसरे साइड भी दे देंगे। पराठे का देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आ गया। इसको दोनों साइड से पलट पलट के एकदम ब्राउन कलर तक सेक लेंगे। और ये हो गया पराठा हमारा। अब इसको प्लेट में एक निकाल लेंगे। पराठे को वो साइड पलट देते हैं दूसरे साइड ब्राउन होने तक। इधर सेक लेंगे हम लोग। दूसरे साइड भी धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। अब हम लोग तेल डाल देंगे। दूसरा भी पराठा बन के रेडी हो गया। और ये रेडी हो गया फ्रेंड्स सत्तू पराठा। अचार और दही के साथ सर्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा।